तो दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं, बिल्कुल शांति का माहौल हो रहा है, मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रहा है। तो आइए बिल्कुल सुकून से करते हैं फैंटम 450 की टेस्टिंग। और यहाँ पर 40 मिली सेकेंड लेटेंसी क्लेम की है, फटाफट चेक करते हैं कितनी जस्टिफाई करती है। हाँ दीक्षा जी, क्या चल रहा है? तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों की? आप लोग आजकल देख ही रहे हैं विंग्स ब्रांड को अपने स्मार्ट वॉच सीरीज, और जो फ्लोबड्स ईयरबड्स सीरीज लॉन्च की थी बीच में, लाइफस्टाइल ईयरबड्स, उसमें स्विच मारे जा रहा था, लेकिन फिर से इन्होंने बीच में एक एंट्री मान ली है फैंटम सीरीज के ईयरबड्स लॉन्च करके। दैट इज विंग्स फैंटम 450 गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। इसका लॉन्च प्राइस है 999 रुपीज के आसपास, प्राइसिंग इसके बढ़ भी सकते हैं। और यहां पर आपको ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है स्लाइडर केस का ऑप्शन, इसमें आपको लाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही में गेमिंग मोड तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसमें आपको 4 माइक्स का सेटअप दिया गया है। सारी हम टेस्टिंग करेंगे इस वीडियो में, बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या है, बिल्ड कैसी, आउटपुट कैसा है, ताकि अगर आप सोच रहे हैं इसको परचेज करने का, एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो करते हैं सबसे पहले शुरुआत अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको विंग्स फैंटम 450 गेमिंग TWS का ऐसा बढ़िया सा बॉक्स मिलने वाला है, और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव। और इसको हम जैसे क्विकली अनबॉक्स करेंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पैकेट मिल जाएगा, इसके अंदर आपको मिलने वाला है वारंटी कार्ड, यहाँ से आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं, साथ ही में आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाएगी, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यूजर मैनुअल मिलने वाला है, क्या क्या इसके डिटेल्स है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। साथ ही में कुछ आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे ब्रांड की तरफ से, अप्लाई कर सकते हैं एक बढ़िया लेंथ की, आप बोल सकते हैं एडिकेट लेंथ की, आपको यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की टाइप सी की केबल मिलेगी टू चार्ज योर केस। एक्स्ट्रा ये टिप्स के साथ अपने कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द केस यू विल बी गेटिंग। ऐसा आपको बिल्कुल सर्कुलर डिजाइन का स्पेसशिप लुक एंड फील का केस मिलने वाला है, लुक एंड फील काफी सही दिया गया है इसका। फ्रंट में आपको विंग्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और साइड में आप देख सकते हैं ऐसा आपको ग्लास फिनिश मिलने वाला है। इसके अंदर लाइट्स कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो कि साफ साफ इसको स्पेसशिप का लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है, अट्रैक्टिव लुक एंड फील प्रोवाइड किया गया है। और बैक साइड में आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, ऐसे कोई बटन नहीं है केस में, और जो बिल्ड है यहाँ पे आपको डिसेंट बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको सही साइड बिल्ड मिल जाएगी, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी। और वैसे कॉम्पैक्ट केस है, थोड़ा मोटा लग सकता है, लेकिन इसको आराम से वैसे पॉकेट में कैरी करते हैं, कहीं भी कैरी करते हैं, पोर्टेबिलिटी को लेकर दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसमें आपको स्लाइडर का ऑप्शन मिलने वाला है, लेकिन जो स्लाइडर दिया गया ना, थोड़ा बहुत यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा टाइट दिया गया है, मतलब थोड़ी बहुत यहाँ पे लूज होना चाहिए था, स्लाइडर पार्ट को लेकर थोड़ी बहुत बेटरमेंट होनी चाहिए थी। यहाँ पे आप बोल सकते हैं डिसेंट यहाँ पे आपको स्लाइडर ऑप्शन मिलने वाला है, और दोनों ही बट्स प्रॉपरली पैक्ड है, लेफ्ट साइड भी साफ साफ मेंशन है। इसमें आपको मिलने वाला है मैग्नेट, ईयरबड्स गिरते नहीं है केस के अंदर से, और इसमें आपको ओपन एंड ऑन टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, मतलब इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। जैसे आप स्लाइडर को ओपन करेंगे तो ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा, और आप देख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लास्ट पे डिवाइस से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देगा, और स्लाइडर को आप बंद करेंगे यहां पे डिस्कनेक्शन भी हो जाएगा। इसका ओपन एंड ऑन टेक्नोलॉजी सही तरीके से वर्क करता है। और बर्ड्स आपको मिलने वाले हैं स्टैम शेप के, और आप देख सकते हैं ऐसा लुक एंड फील प्रोवाइड किया गया है, क्रोम फिनिश और ग्लॉसनेस का कॉम्बिनेशन है, विंग्स का लोगो दोनों में ही लगा हुआ मिलने वाला है। लुक एंड फील यहां पे आपको बर्ड्स का सही मिलने वाला है, लेकिन जो बर्ड्स का एरिया थोड़ा मोटा दिया गया है, मेनली यहां पे कानों का साइज मीडियम साइज या बड़े साइज से कान है, उस पर्पस की डिजाइनिंग की गई है। कानों में आपको सही फिटिंग मिल जाएगी अगर आप प्रॉपर ईयरकफ्स लगाएंगे तो, और अच्छी खासी आप बोल सकते हैं 70-75% बाकी नॉइज कैंसिल हो रही है ईयरबड्स लगाते से ही, और मैंने काफी कोशिश भी की हुई है, ईयरबड्स बिल्कुल गिरते नहीं है कानों से, सिक्योर आपको होल्ड प्रोवाइड कर देंगे, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी। फुल टच कंट्रोल्स के साथ ही आते हैं, कैसे वर्क करते हैं आगे डिस्कस करेंगे, एक नजर डालते हैं इनके फीचर्स पार्ट को लेकर। तो यहां पर आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 13M डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC कोडेक का सपोर्ट, ओपन एंड ऑन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, कॉर्ड माइक्स का सेटअप एंड एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर, गेमिंग मोड मिलने वाला है। फुल टच कंट्रोल्स के साथ ही आते हैं, अप्रॉक्सिमेटली आपको 8 से 10 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, और टोटल आप बोल सकते हैं 50 आवर्स का ओवरऑल प्ले टाइम ले सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस। प्राइस पॉइंट के हिसाब से फीचर्स बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं, उसको लेके दिक्कत नहीं लगी। टच कंट्रोल्स की बात करेंगे, फुल टच कंट्रोल्स का हिसाब किताब ऐसा है, अगर आप किसी भी ईयरबड को डबल टैप करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से डबल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो म्यूजिक पॉज होगा, राइट ईयरबड को ट्रिपल टैप करेंगे तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे लेके जाएगा, लेफ्ट ईयरबड को अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे तो ये प्रीवियस ट्रैक पे लेके जाएगा, राइट ईयरबड को आप सिंगल टैप करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, लेफ्ट ईयरबड को आप सिंगल टैप करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। और यहां पर आप लेफ्ट ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे 2 सेकंड्स के लिए, जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा, आप कमांड देकर यूटिलाइज कर सकते हैं, और राइट ईयरबड को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये गेमिंग मोड में एंटर कर जाएगा, आपको कानों में प्रॉम्प्ट भी सुनाई देगा, फिर से आप राइट ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये गेमिंग मोड से एग्जिट करके म्यूजिक मोड में आ जाएगा। इनकमिंग कॉल को एक्सेप्ट करने के लिए डबल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, चलती हुई कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से डबल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए किसी भी ईयरबड को तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। टच कंट्रोल सही तरीके से वर्क करते हैं, उनको लेकर दिक्कत नहीं लगी। और जो 40 मिली सेकंड लेटेंसी क्लेम की है गेमिंग के टाइम पे, कितनी जस्टिफाई करती है आप खुद ही देख लीजिए।
40 मिली सेकेंड जो लेटेंसी क्लेम की है वो बिल्कुल जस्टिफाई करती है, मतलब मुझे ऐसे ज़्यादा लेटेंसी फील नहीं हो रही थी। इसमें आपको स्टीरियो सेपरेशन भी सही मिल जाएगा, एनिमीज लेफ्ट साइड की राइट से आ रही है, इन ऑडियो एक्सपीरियंस आपको सही मिलने वाला है। गेमिंग पर्पज से इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बात करेंगे अब मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको मिलने वाला है 13M डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC कोडेक का सपोर्ट मिलेगा, AAC कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और लाउडनेस इसमें आपको अच्छी मिलने वाली है, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, वोकल्स आपको काफी क्लियर सुनाई देंगे। और जो ट्रेबल्स है हल्का फुल्का हमें को लगा बेटरमेंट होना चाहिए थोड़ा बहुत ट्रेबल्स पार्ट को लेकर। और इसमें जो बेस दिया गया काफी आपको बढ़िया मिलने वाला है, प्रॉपर आपको थम्स मिलने वाला है, अगर आप बेस लवर इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, काफी आपको प्रॉपर थम्स मिल जाएंगे बेस पार्ट को लेकर। बट ट्रेबल्स में हल्का फुल्का बेटरमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इसमें आप बोल सकते हैं अच्छी, आप बोल सकते हैं एडिकेट लिसनिंग कर सकते हैं, लाउडनेस भी आपको एडिकेट दी गई है, फुल वॉल्यूम पर सुन सकते हैं, ऐसा कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। और थोड़ा सा बोल सकते हैं फैन के नीचे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल शांति में बैठे हुए तो हल्का सा बोल सकते हैं 80% वॉल्यूम सब ऊपर जाएंगे, हल्का साउंड लीकेज का इशू आपको देखने को मिलेगा इसमें। बाकी वोकल्स आपको सही मिल जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी काफी अब तक आपको क्लियर सुनाई देंगे, लेकिन ट्रेवल्स में हल्का हल्का बेटरमेंट होना चाहिए, बेस आपको काफी तक इंप्रेसिव मिलने वाले, प्रॉपर आपको पंचनेस मिल जाएगी प्रॉपर थम्स के साथ। कॉलिंग की बात करेंगे, 4 माइक्स का सेटअप दिया गया है एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर के साथ, आप देख लीजिए हमारा DRS दीक्षा रिव्यू सिस्टम। हेलो, हां दीक्षा जी, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूं। ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, ओके। यार मेरे पास अभी यहाँ पे ना विंग स्टैंडर्ड 450 गेमिंग एयरबड्स आए हुए हैं विंग स्टैंड की तरफ से, तो मैं उसको ना सॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ आउटर कंडीशन में, रोड साइड पर हो रहा है, थोड़ी बारिश भी हो रही है, तो मेरी आवाज़ तुम्हें कंपेरेटिवली कैसी आ रही है? आवाज़ तो तुम्हारी समझ में आ रही है, लाउडनेस एडिक्वेट है, बस मुझे थोड़ी वोकल्स में थोड़ा सा ब्लरनेस लग रही है हल्की सी, समझ में आ रहा है। हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन बस हल्की सी ब्लरनेस होती है ना थोड़ा सा सुनने में, वो हल्का सा लग रहा है। हाँ हल्की फुल्की कैच हो रही है, तो मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस हो सकती है? 70-75%। ठीक है दीक्षा, ओके, हाँ बाय। कॉलिंग इसमें आप बोल सकते हैं इसमें आपको डिसेंट कॉलिंग मिलने वाली है, बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं है कॉलिंग पार्ट को लेके, मतलब जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज से कैच कर लेगा बैकग्राउंड की आउटर कंडीशन में आप तो। और जो वोकल्स है ना हल्का फुल्का हमारा जो क्लैरिटी है वोकल्स को लेकर कहीं ना कहीं बेटरमेंट होनी चाहिए थी, जिसमें आप बोल सकते हैं आपको इंडोर कंडीशन में सही कॉलिंग मिल सकती है, आउटर कंडीशन में आपको यहाँ पे डिसेंट कॉलिंग मिलने वाली है। रेटिंग्स करेंगे अब हम साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को दूंगा 8.5 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 7 out of 10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9 out of 10। दिस आर द रेटिंग्स ऑन टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स अप्रॉक्सिमेटली 999 rupees जो कि इसका लॉन्च प्राइस है, और 999 rupees के हिसाब से काफी तक कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेटरमेंट होनी चाहिए थी साफ साफ, जो केस का लॉक दिया गया है बेटरमेंट होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, ट्रेवल्स में थोड़ी बहुत बेटरमेंट होनी चाहिए थी और हल्की फुल्की बेटरमेंट होनी चाहिए थी कॉलिंग पार्ट को लेकर। बाकी म्यूजिक आपको अच्छा मिल जाएगा, प्रॉपर आपको अच्छी थंबनेस मिल जाएगी बेस पार्ट को लेके, और मैंने आपको गेमिंग आपको बढ़िया मिलने वाली, गेमिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी, मैंने आपको सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, अब आप हो सकता है डिसाइड कर लिया उसको परचेज करना चाहिए कि नहीं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक डिसेंट पैकेज है। मैंने पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च विंग्स फैंटम 450 गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।